पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ठीक हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। राशि बेटा चलो, अपना चेहरा तो साफ कर लो। रुकिए मैडम, मेरी बेटी जो कहना चाहती है ना वो कह के यहाँ से जाएगी। राशि तुझे जो बोलना है ना बेटा बिंदास बोल, तेरी मम्मी खड़ी है इधर। शायद सब लोग चाहते हैं कि मैं उसका नाम ना लूँ, या फिर मुझे टीचर की बात ना मानने के लिए पनिशमेंट मिले, या फिर कॉलेज से निकाल दिया जाए। अरे यही तो मिसफॉर्च्यून है इस समाज का कि सजा विक्टिम को मिलती है और सेफगार्ड मुजरिम को किया जाता है। दरअसल सजा मुझे नहीं, उसे मिलनी चाहिए जिसने ऐसी हरकत की है, वरना कल को वो यहाँ पे बैठी ऐसी कितनी लड़कियों को तंग कर सकता है, उसका हौसला और दुगना हो जाएगा। मेरे साथ जो होगा वो होगा, लेकिन मैं अभी एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी का बेटा क्यों ना, कॉलेज वाले और पुलिस वाले उसका नाम लेने से कतराते क्यों ना, उसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्या आप सभी लोग उसका नाम सुनना चाहेंगे? Will anyone dare to stand up for me? बेटा तू जा यहाँ से, वरना पब्लिक छोड़ेगी नहीं तुझे। वाह वाह चकताप साहब, यही बात आपके बेटे ने बोली होती ना तो समझ में आता बापोतरा को, लेकिन आप खुद अपने बेटे को भागने की सलाह दे रहे हो। लेकिन बापोतरा ऐसा होने नहीं देगा। राशि मैं जानना चाहती हूँ उसका नाम। मैं भी जानना चाहता हूँ उसका नाम। क्यों किया तूने ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे बोलना कब पका? बाबा मैं उससे बदला लेना चाहता था, मैं उसको सबक सिखाना चाहता था। अच्छा अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा बेटा कि पूरी जिंदगी याद रहेगा। नाम बताओ उसका, प्लीज नाम बताओ। हमारे कॉलेज का ही है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी रहा है और सुन भी रहा है। दुष्यंत प्रभाकर जगताप, आई रिपीट, दुष्यंत प्रभाकर जगताप। पेपर भी खुल गया जगताप साहब, अब चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं, कम से कम अब तो बिगड़ी बाजी सुधारो। बताओ पब्लिक को कि गलत को गलत बोलने की हिम्मत है आपके अंदर, चाहे आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो सामने। और एक सलाह दूं आपको, आप खुद अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ, संभल जाओगे, वरना अगर ये पब्लिक के हाथ लग गया ना तो वो हाल करेगी पब्लिक इसका
कि आप देख भी नहीं पाओगे। और अब अगर आपने कुछ नहीं किया ना जगताप साहब, तो बापोतरा करेगा। आपके बेटे का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, या तो अभी या कभी नहीं। नहीं बाबा, नहीं बाबा, आई एम सॉरी बाबा, प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, नरहरि बापोतरा बोल रहा हूं। आज इस छोटी सी बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाई है। राशि बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। एक्चुअली इसके घर वाले मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए थे, तब मैंने बिना सबूत के इनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा तो मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि वो लड़का कोई और नहीं, मेरा बेटा दुष्यंत ही है। मैं एक पिता बाद में हूँ, पहले मैं इस एरिया का MLA हूँ और यहाँ के सभी लोग मेरा पहला परिवार है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और इस पर सामान्य मुजरिम की तरह कार्रवाई भी होगी और इसे सजा भी मिलेगी। राशि बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मला क्षमा कर। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने आपको फोन किया था। आओ, ये वो लड़का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राशि। चाहती हूँ सर, लेकिन हम लोग घर की लड़कियों को तो बोलते हैं कि मर्यादा में रहो, बाहर के लड़कों से ज्यादा घुलो मिलो मत, लेकिन घर के लड़कों को तो कोई नहीं समझाता कि लड़कियों का सम्मान करो, उनकी रक्षा करो। लड़कियां खिलौना नहीं होती ना सर, उनकी भी भावनाएं होती है, उनका सम्मान करना सीखना होगा। जिस गति से लड़की आगे बढ़ रही है ना, उसी गति से लड़कों को, समाज को, अपनी सोच को बदलना होगा, तभी जाकर बराबरी होगी सर। ऐसी हरकतों पे स्कूल कॉलेज जब एक्शन लेंगे ना, तब जाकर हजार बच्चों पर असर पड़ेगा, मिसाल कायम होगी। जो समाज अपने बेटियों की रक्षा ही नहीं कर सकता, उस समाज की सॉरी सर, लेकिन इस बार ना आप चूक गए, आइंदा ऐसा मत कीजिए। गेम के किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पुष्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल वो हाई प्रोफाइल का केस था और हम लोगों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोग थोड़ा डर गए थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद इस कॉलेज में इस तरह की गलती कभी नहीं होगी। I promise you, Dushyant will be investigated immediately. I am proud of you, Rashi. छोटे छोटे कदम गति पकड़ रहे हैं, लेकिन आगे रास्ता ही बंद होगा तो क्या करोगे? ऑर्डर तो मिल गया है, लेकिन
उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए धागे ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? एक काम करो मेहता, धागे वाले जितने भी वेंडर्स हैं उनसे कहो कि पुष्पा को माल नहीं जाना चाहिए, मार्केट में जितना भी माल है सारा उठा लो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।